स्वागत है आप सबका न्यूज 18 पर। आइए अब खबरें आपको विस्तार से दिखाएंगे, जहां सबसे पहले आपको बताते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज के दौरे पर रहने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा करने जा रहे हैं, साथ ही लोगो भी जारी करने जा रहे हैं, महाकुंभ का वेबसाइट और मोबाइल ऐप भी जारी करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके साथ आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि सीएम योगी मंदिरों में हो रहे कॉरिडोर के निर्माण का कार्य भी देखने जा रहे हैं, कितना तेजी से काम किया जा रहा है, तय समय पर पूरा होगा या फिर नहीं। साधु संतों और तीर्थ पुरोहितों के साथ बैठक भी होने जा रही है। इसके साथ ही कुंभ की व्यवस्था से जुड़े मंत्रियों, अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं अमेठी हत्याकांड के आरोपी चंदन वर्मा को रायबरेली जेल भेजा जा चुका है। सुरक्षा कारणों से सत्र न्यायाधीश के आदेश पर पेशी के बाद उनके आवास पर जो पेशी हुई है, अब उनके आदेश के बाद आरोपी चंदन को जेल भेजा गया है। कचहरी परिसर में हत्याकांड से आक्रोशित लोगों की भीड़ लगी हुई थी। नोएडा से खबर, जहां पर चलती कार में आग लग गई है। कार ड्राइवर ने किसी तरह से अपनी जान बचाई है। आग लगने के बाद कुछ ही मिनट में कार पूरी तरह से धुंधू कर जलने लगी, आग का गोला बन गई। ये घटना नोएडा सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन के पास की है, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। उत्तर महोबा में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। मजदूरों से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई है। हादसे में 20 से ज्यादा लोगों के गंभीर होने की जानकारी मिल रही है। 20 से 25 लोग बताए जा रहे हैं जो घायल हुए हैं और सरकारी एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया है। कई महिला मजदूरों को भी हालत गंभीर बताई जा रही है, अस्पताल में इनका इलाज जारी है। यह हादसा उस वक्त हुआ है जब मजदूर वापस घर लौट रहे थे। हादसा श्रीनगर थाना क्षेत्र में हुआ। डीएम ने सीएमओ को घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। इस बीच आपको ये भी बता देते हैं कि एसडीएम, एएसपी और सीओ ने हादसे में घायल लोगों से मुलाकात की है। संभल से खबर, जहां पर हाईवे पर दो बाइकों की भिड़ंत हो गई। आमने सामने की ये भिड़ंत बेहद भीषण थी। इस हादसे में दो दोस्तों की मौत की पुष्टि की गई है, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। हादसा गुनौर थाना इलाके की काली मंदिर के पास का है। सैलाब के पास नरोरा गुन्नौर मार्ग पर दो मोटरसाइकिलें आपस में दुर्घटनाग्रस्त हो गई हैं। इस सूचना पर तत्काल गुन्नौर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया गया, जहां पर चिकित्सक द्वारा निरीक्षण करने के उपरांत विकास निवासी जुनावई और नरेंद्र निवासी गुन्नौर इनको मृत घोषित किया, तथा अन्य दो घायल कमल तथा राहुल को वास्ते चिकित्सीय इलाज हायर सेंटर रेफर किया। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। दोनों मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था है। प्रयागराज पुलिस ने 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये गैंग ट्रक का इंजन और चेसिस नंबर बदलकर फाइनेंस कंपनियों को चूना लगाता था। बरामद किए गए ट्रकों की कीमत 1,25,00,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपियों ने लोन पर ट्रक खरीदे, किस्त का बकाया होने पर उन्होंने अपने ट्रकों के इंजन और चेसिस नंबर बदल दिए। इसके अलावा एक्सीडेंट हुए ट्रकों के रजिस्ट्रेशन के नंबर पर चोरी किए गए ट्रक के फर्जी दस्तावेज तैयार किए जाते थे। इस गैंग के 2 सदस्य अभी भी फरार हैं। फाइनेंस के ट्रकों के इंजन रजिस्ट्रेशन और चेसिस नंबर को पुराने एक्सीडेंटल ट्रकों के इंजन चेसिस नंबर से बदलकर तथा एक्सीडेंटल ट्रक के डॉक्यूमेंट्स को नए ट्रकों के डॉक्यूमेंट से बदल देते थे। इनसे 3 ट्रक बरामद हुए हैं, जिनमें से 2 ट्रकों के इंजन तथा रजिस्ट्रेशन नंबर पुराने एक्सीडेंटल ट्रक से चेंज किए हैं और टूट रचित ट्रक के कागजात बरामद हुए हैं। 1 ट्रक के संबंध में अभियुक्तों द्वारा कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं।
और आइए बढ़ते हैं आगे। सीतापुर की खबर आपको बताते हैं, जहां घर से लापता लड़के का शव उसी के खेत में पड़ा मिला है। शव मिट्टी से सना हुआ था, चेहरे पर चोट के भी निशान थे जिन्होंने हटाई है। थाना क्षेत्र होली का है। राहुल शुक्रवार को घर से निकला था, देर रात तक घर नहीं पहुंचा तो परिवार वालों ने पुलिस को सूचना दी। परिजनों के आरोपों को लेकर पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही है। महोबा में मजदूरों से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हादसा हुआ है। हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार 19 मजदूर पकड़ लो, थोड़ी हम पकड़े लो भाई। वहां पर ये एक्सीडेंट हुआ, जैसे ही सूचना प्राप्त हुई वहां तत्काल पुलिस पहुंची, मौके पर प्रशासनिक टीम पहुंची और सभी को CHC ले जाया गया। वहां से जो लोग यहां जिला अस्पताल आए हैं, अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कुल 19 लोग हैं, जिसमें से कि 16 महिलाएं हैं और 3 पुरुष हैं। सभी की स्थिति डॉक्टर साहब के द्वारा बताया गया कि एक गंभीर है, शेष सभी आउट ऑफ डेंजर है। महोगावा के बाद खबर वाराणसी से, जहां से राजकीय निर्माण निगम की विद्युत इकाई में तैनात अपर परियोजना प्रबंधक मनोज यादव के ठिकानों पर विजिलेंस ने छापेमारी की है। वाराणसी, देहरादून, मसूरी के ठिकानों पर ये छापेमारी हुई है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापेमारी की गई है। छापेमारी के दौरान करीब 1,20,00,000 रुपए से ज्यादा के निवेश के दस्तावेज बरामद किए गए हैं। अलग अलग 6 बैंकों में खातों के साथ कुल 13 मकान और प्लॉटों की रजिस्ट्री के दस्तावेज भी मिले हैं। वाराणसी के लालपुर में मौजूद घर, देहरादून के नथनपुर में मौजूद घर और मसूरी में एंटलर्स कॉटेज के ठिकाने पर छापेमारी हुई। सीतापुर में निरीक्षण के दौरान हेडमास्टर नशे में धुत मिले हैं। BDO एलिया स्कूल का मुआयना करने के लिए यहां पर पहुंचे हुए थे। अब देखिए, पूछे जाने पर हेडमास्टर साहब ने ये कहा है, 100 ग्राम पी ली थी। BDO और शराबी हेडमास्टर की बातचीत का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। BDO ने हेडमास्टर की जांच रिपोर्ट BSA को भेजी है। ये मामला एलिया क्षेत्र के हलुआपुर प्राथमिक विद्यालय का है। उधर बिजनौर में 3 तलाक का मामला सामने आया है। यहां पर पीड़ित महिला का आरोप है कि देवरों ने उनके साथ अश्लील हरकत की है। पति से इस मामले की शिकायत की गई और उसने 3 तलाक दे दिया। साथ ही पति पर दहेज की मांग का भी आरोप लगाया है इस महिला ने। 3 साल पहले पीड़िता की शादी हुई थी। पीड़ित ने SP से इंसाफ की गुहार लगाई है। आगरा में एक छात्र पर अपनी ही महिला टीचर को ब्लैकमेल करके रेप करने का आरोप लगा है। आरोप है कि 10वीं के छात्र ने टीचर का पहले अश्लील वीडियो बनाया, फिर ब्लैकमेल कर अश्लील हरकतें की, शारीरिक शोषण किया। बात इतने पर ही खत्म नहीं हुई, आरोपी ने अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर दिया। इसके बाद इन दोस्तों ने भी महिला टीचर को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। कैसे महिला टीचर ने आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया, रिपोर्ट देखिए। दसवीं के छात्रों का गंदा काम। अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल। टीचर का किया शारीरिक शोषण। इंस्टाग्राम पर वीडियो किया अपलोड। ये कहानी है आगरा जिले की, जहां एक शिक्षिका का उसके स्कूल के 10वीं के छात्र ने शारीरिक शोषण किया, फिर उसे बदनाम करने के लिए उसका अश्लील वीडियो अपने दोस्तों को भेज दिया। दोस्तों ने भी शिक्षिका को ब्लैकमेल किया और बात नहीं मानने पर वीडियो इंस्टाग्राम के पेज पर अपलोड कर दिया। बदनामी से आहत होकर शिक्षिका ने स्कूल छोड़ दिया और स्कूल छोड़कर अपने घर लौट आई। दिनांक 30/9/2024 को
थाना शाहगंज पर एक महिला के द्वारा सूचना दी गई कि सबसे पहले उसका एक वीडियो जो एक उसका जानने वाला व्यक्ति था उसने उसको बहला फुसला कर उसके साथ दुष्कर्म करके एक वीडियो बनाया और इस वीडियो को वायरल कर दिया और इसके बाद तीन अलग अलग लोगों के द्वारा उसको उस वीडियो को फैलाने के नाम पर ब्लैकमेल किया जा रहा है। मामला शाहगंज इलाके का है जहां की रहने वाली पीड़िता मथुरा के जैत इलाके में एक स्कूल में शिक्षिका थी और वहीं पर किराए पर कमरा लेकर रहती थी। 10वीं क्लास का एक छात्र पढ़ाई में कमजोर था, इस पर वो शिक्षिका से एक्स्ट्रा क्लासेज लेने लगा। एक्स्ट्रा क्लासेज के लिए आरोपी छात्र टीचर के घर पर ही जाता था। इस दौरान बातों में लेकर उसने शिक्षिका को जाल में फंसा लिया। उसने मोबाइल से कुछ वीडियो भी बना लिए। एक महिला टीचर का 10वीं के छात्र ने शारीरिक शोषण कर लिया। छात्र पढ़ाई में कमजोर था तो वह ट्यूशन लेने के लिए टीचर के घर पर जाने लगा। टीचर के नाते हुए कि पहले उसने वीडियो बना ली और फिर वीडियो के आधार पर ब्लैकमेलिंग करके उसका शारीरिक शोषण किया। पहले तो आरोपी छात्र ने टीचर के साथ शारीरिक संबंध बनाए, फिर शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का खेल। परेशान टीचर ने छात्र का नंबर ब्लॉक कर दिया और नौकरी छोड़कर वापस आगरा आ गई। इस पर उसने अपने गांव के तीन लड़कों को वीडियो दे दिया। वो व्हाट्सएप पर वीडियो भेजकर मिलने के लिए आने का दबाव बनाने लगे। उसने मना किया तो इंस्टाग्राम पेज बनाकर वीडियो अपलोड कर दिया। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पेज बनाने वाले युवक की तलाश में दबिश दी जा रही है। थाना शाहगंज और एसओजी सर्विलांस टीम नगर जोन की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से टीमें गठित की गई इन तीनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए और अभियोग थाना शाहगंज पर पंजीकृत किया गया और बहुत ही शीघ्र अवधि में 2 दिनों के अंदर दूसरे जनपद के रहने वाले इन 4 लड़कों को एसओजी सर्विलांस टीम नगर जोन और थाना शाहगंज की टीम ने संयुक्त रूप से गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि महिला ने तो आत्महत्या तक की सोच ली थी, लेकिन बीते दिनों पुलिस टीम टीचर के मोहल्ले में मिशन शक्ति अभियान के लिए गई थी। यहीं से महिला टीचर को हिम्मत मिली और उसने पुलिस के पास शिकायत की सोची और तब जाकर मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी संभव हो सकी। और टीमों का गठन करते हुए पुलिस ने 4 आरोपी छात्रों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अब इन 4ों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सभी छात्रों ने एक इंस्टाग्राम पर पेज बनाया और उस पेज पर महिला टीचर की वीडियो भी वायरल कर दी। पुलिस अब इन सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भेज रही है। कामिर कुरैशी, न्यूज 18 आगरा। यूपी में मिशन शक्ति के अभियान के तहत छात्राओं को जागरूक किया जा रहा है। कई जिलों में छात्राओं को एक दिन के लिए बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, किसी को डीएम बनाया गया तो किसी को एसडीएम। यूपी सरकार महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है। इसके तहत मिशन शक्ति अभियान चलाया गया है जिसमें छात्राओं के आत्मविश्वास को मजबूती देने की कोशिश होती है। जौनपुर में 12वीं की टॉपर रही छात्रा सेजल गुप्ता को एक दिन के लिए सांकेतिक डीएम बनने का मौका मिला। तस्वीर कलेक्टर कैंपस की नहीं बल्कि कचहरी के पास काशीराम सामुदायिक भवन की है जहां जन शिकायतों की सुनवाई चल रही है। सेजल ने डीएम के बगल में कुर्सी पर बैठकर जन शिकायतें सुनी। यहाँ पर सारे अधिकारी हैं और सभी विभिन्न प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, उनको सुनने के बाद, उनको देखने के बाद इनके मन में आत्मविश्वास पैदा होगा, एक संकल्प ले सकते हैं कि हम आगे बढ़कर किसी भी क्षेत्र में कार्य करेंगे तो उत्कृष्टता के साथ कराएंगे। बहुत ही अच्छा गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि मैं इस स्थान पर बैठी हूँ, जो इसका मैंने सपना देखा है कभी और इसे पूरा करूँगी जरूर, और अभी तो एक दिन के लिए बैठी हूँ पर इस सपने को मैं जरूर पूरा करूँगी। लखीमपुर खीरी में मिशन शक्ति के तहत 12वीं क्लास की निधि एक दिन के लिए पलिया तहसील की एसडीएम बनाई गई। निधि ने कुर्सी संभालते ही पलिया की बाढ़ की समस्या के निदान के लिए अधिकारियों से चर्चा की। इसी तरह के और कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं जिससे महिलाओं को, बालिकाओं को, बच्चियों को
अपनी उन्नति प्राप्त करने का मौका मिले व साथ ही साथ उनकी सुरक्षा और उनकी उन्नति का सुनिश्चित की जा सके। वहीं ललितपुर के मडावरा तहसील में पूजा सहरिया को भी एक दिन का SDM बनाया गया। पूजा सहरिया ने एक दिन की SDM बनकर समाधान दिवस में पहुंचकर जनता की समस्याएं सुनी और उनके समाधान के लिए निर्देश दिए। पूजा BA फर्स्ट ईयर की छात्रा हैं। इस अभियान का मकसद बच्चों के अंदर प्रशासनिक कार्य के बारे में जानकारी देना है और उनको प्रेरित करना है ताकि वो भी अधिकारी बनकर देश की सेवा में योगदान दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। आइए बढ़ते हैं आगे। बहराइच पर जहां के महसी में मारा गया भेड़िया बकरी का शिकार करने पहुंचा हुआ था ये भेड़िया, ग्रामीणों ने पीट पीट कर मार डाला भेड़िये को। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, भेड़ियों ने कई लोगों पर अटैक किया था, हमला किया था और अब जाके देखिए लंबे ऑपरेशन के बाद जब यहां पर वन विभाग की टीम पहुंची हुई थी, प्रशासन के अधिकारी पहुंचे हुए थे, फॉरेस्ट विभाग की टीम पहुंची हुई थी, गाँव के लोगों ने इस भेड़िये को पीट पीट कर मार डाला है। एक और भेड़िया मार गिराया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी भेड़िये को देखते मारने के आदेश दिए थे। कई लोगों को अपना निशाना बना चुका था ये भेड़िया। 10 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी, इसमें महिलाएं बच्चे भी शामिल थे और कई लोग घायल हो चुके हैं भेड़िये के अटैक से।